Question number 5. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend? Okay, so in this stanza, the poet is describing the characteristic of a happy life is that the person leads simple and pretty life. सिंपल यार सादी सी जिंदगी गुजार रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि जो आदमी वो खुश उस सूरत में रह सकता है कि वो प्रे करता है, और प्रे ऐसी दिखावे की नहीं, रियाकारी वाली प्रे नहीं, वो जेन्युइनली प्रे करता है, सिंसियरली प्रे करता है, और वो जो है दुआ मांगता है कि उस पर रहम किया जाए, उस पर कर्म किया जाए. ठीक है, और जब आप रहम और कर्म की दुआ मांगते हैं तो आपकी चीज जरूरी कि आप जब अपने किसी से रहम और कर्म का मांग रहे हैं दुआ, तो आप दूसरों के साथ भी रहम और शफकत के साथ पेश आएंगे, आप दूसरों के साथ भी काइंडनेस का बर्ताव रखेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ इसमें एक और करेक्टरिस्टिक बताई गई है, वो ये कि वो अच्छी कंपनी रखता है, उसकी सोबत अच्छी है, उसके दोस्त भी होंगे, वो अपनी जो वक्त है गुजारता है अच्छी कंपनी के साथ साथ, और उसके साथ अच्छी किताबों के साथ, यानी कि उसको पढ़ने का शौक है, ही लाइक्स टू स्टडी एंड ही लाइक्स टू कीप गुड कंपनी. ठीक है, उससे वो पहचाना भी जाता है, एक कॉल है ना, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है. तो आपकी जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितनी अच्छी सोबत होगी, उसका आप पे असर अंदाज होगा. ठीक है, तो अभी एक फिलोसफिकल आइडिया हमें पता चल गया कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे दोस्त भी होने जरूरी है, उसके साथ साथ आप अच्छी किताबें पढ़ सकते. तो अब इसमें हमें स्टैंजा नंबर 5 में एक करेक्टरिस्टिक्स क्या मिली, करेक्टरिस्टिक्स ये मिली कि इंसान सिंपल लाइफ गुजारता है, द पर्सन हु लीड सिंपल लाइफ. उसके साथ साथ ही प्रेज सिंसियरली, के साथ ही कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड एंड बुक. This last stanza. This man is freed from servile bands of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not lord of lands, and having nothing, yet hath all. Okay, powerful lines and the lines powerful lines. इस last stanza में बोल रहा है कि वो किसी का भी गुलाम नहीं है. जब इंसान अपने नफ्स का गुलाम नहीं होता, तो वो किसी और का भी गुलाम नहीं होता. ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड टेम्पररी प्रेस है, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे उसकी लाइफ में अप्स आए या डाउन्स आए, वो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ, ही इज नॉट लाइक अफ्रेड टू फॉल और फेयर टू फॉल. उसके पास कोई खौफ नहीं होता कि वो गिर जाएगा या मायूस हो जाएगा, क्योंकि ही इज हर किस्म की सर्वाइव, मतलब स्लेव होता है, तो हर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लेव. ठीक है, तो अब वो हर किस्म की करेक्टरिस्टिक, जितने गुलाम होते हैं ना, उनकी कुछ आदत होती है, आदत होती है, तो अब उन सब से वो आजाद है. ठीक है, और उसको पता है कि उसमें प्राइड नहीं है. प्राइड एक ऐसी, क्या बोलूँ, एक ऐसी रूहानी बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज है, कि इंसान जो है ना प्राइड रखता है ना, और ये सबसे डेडली सिन है, 7 deadly sins में क्रिश्चियनिटी में, उसमें प्राइड सबसे टॉप है, और इस्लाम में भी गरूर को सबसे ज्यादा तकब्बुर को मना किया गया है. तो अब उसमें तकब्बुर नहीं होता. ठीक है, तो अब वो जो है, लोग होते हैं जो तकब्बुर आ जाता है कि वो जमीनों के मालिक होते हैं, तो अब अपने आप को बहुत ऊंची ही समझने लगते हैं. तो अब जो है, और जब अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं जमीन के, अगर आपके पास दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, तो अब उसमें क्या है, वो एक तरह के खुद ही अपने आप को खुदा बना देते हैं. ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि वो इस चीज से भी आजाद है, उसमें प्राइड नहीं है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ बैड और इमोरल डीड्स. उसके साथ साथ उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है. ठीक है, इफ ही इज अ रिलीजियस पर्सन, एंड लेट मी राइट द कैरेक्टरिस्टिक, द सिक्स स्टैंजा में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है हमें. पहली ये कि ही इज नॉट अफ्रेड of downfall. उसके साथ साथ हमें बताया गया है कि he leads peaceful life. Peaceful life की सूरत में हो सकती है कि he is not
he'll not have pride? और क्या पता चल रहा है हमें इसके बारे में? Although he does not have worldly health wealth, he does not have worldly wealth मतलब दुनियावी तौर पे उसके पास शोहरत नहीं है, दौलत नहीं है, अच्छा घर नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है उसने क्योंकि अपनी आखिरत बना ली है. सही है. तो अब हमें इस पोम में कुछ करेक्टर्स से पता चली कि इंसान वो कौन खुश है. वो इंसान खुश है जो कि कंटेंट है, he has contentment. Who is happy? A happy is a person who is content or contentment. सही है. Satisfaction है, whatever you have yours. ठीक है. वो अपनी नफ्स का गुलाम नहीं होता, वो दौलत के पीछे नहीं भाग रहा, शोहरत के पीछे नहीं भाग रहा. ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल फ्रीडम है बिकॉज ही इज ऑनेस्ट. उसके जो हथियार हैं, जो उसका आर्मर है जिसको प्रोटेक्ट करता है, वो ऑनेस्टी है और सच्चाई है, स्पीक ट्रुथ. ठीक है, ही लीड्स सिंपल लाइफ, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. लोग मौत का खौफ नहीं होता उसको और वो हमेशा तैयार रहता है. अगर मौत का खौफ नहीं है तो उसके लिए तैयार है. ठीक है, ही इज नॉट मटेरियलिस्टिक, ही डज नॉट केयर अबाउट वर्ल्डली वेल्थ. ही लिसन टू हिज कॉन्शियंस, वो अपने जो कल्ब की आवाज होती है ना, कॉन्शियंस दिमाग में होता है, दिमाग की आवाज होती है, अंदर से एक आवाज आती है, कॉन्शियंस चलाती है. तो ही लिसन टू हिज कॉन्शियंस वॉइस, और कॉन्शियंस की जो वो अपने जमीर की आवाज सुनता है. ठीक है, उसके पास जो कुछ है थोड़ा है लेकिन उसमें उसको सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, उसमें वो खुश है. So all these are the characteristics of a happy life. अब आप बताएं कि this poem is a religious, ठीक है, और it discusses philosophical ideas. क्योंकि इसमें बहुत सारे ideas ऐसे हैं जो religion of philosophy से, इस्लाम की philosophy से बहुत coincide करते हैं, क्योंकि Christianity में भी उसके religious roots.